Stanley on Bible presents Sound Doctrine Swasth Siddhant Lessons prepared by R. Stanley, a building engineer turned Bible teacher. Taiyar kiye gaye paath dwara R. Stanley Bhavan engineer bane Bible shikshak. Welcome to the Sound Doctrine telecast. स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है. Praise God for the Holy Bible. पवित्र बाइबल के लिए परमेश्वर की स्तुति हो. The purpose of this program is twofold. इस कार्यक्रम का उद्देश्य दो बातों में बता सकते हैं. Number one, to help you escape the floods of false doctrine. पहली बात तो ये कि झूठी शिक्षाओं की जो बाढ़ आई है उससे आपको बचा लें. Number two, to enable you to embrace the sound doctrine of God's word. और दूसरा ये है कि परमेश्वर के वचन में जो खरा उपदेश है उसे आप ग्रहण कर सको. Under God, I prepared 200 corrective Bible lessons from the beginning of Christian life to the end of physical life. परमेश्वर के अनुग्रह से मैंने मसीही जीवन के शुरुआत से लेकर शारीरिक जीवन के अंत तक सुधारने वाली 200 पाठों को तैयार किया है. I taught these 200 lessons in a weekly telecast from 2008 to 2013 from English to Tamil. और सन 2008 से 2013 के बीच में साप्ताहिक प्रसारण के दौरान अंग्रेजी से तमिल में इन बातों को मैं सिखाता रहा हूं. I always preach and teach in English with simultaneous vernacular translation. और मैं अक्सर अंग्रेजी से वहां की स्थानीय भाषा के अनुवाद के साथ में इन बातों का प्रचार और शिक्षा देता आया हूं. But now God has guided me to make these lessons available to you directly in Hindi. परंतु अब परमेश्वर ने मेरा मार्गदर्शन किया है कि मैं इन पाठों को सीधे आपके लिए हिंदी में ला सकूं. But I cannot speak Hindi. परंतु मैं हिंदी बोल नहीं पाता हूं. But I have my friend here, Mr. Sudhanshu Kadam, who will teach these lessons to you on my behalf in Hindi. परंतु यहां मेरे साथ में मेरे मित्र भाई सुधांशु कदम हैं, जो मेरे बदले आपको इन्हीं पाठों को हिंदी में सिखाएंगे. Here is brother Sudhanshu Kadam. स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है. परमेश्वर पिता की स्तुति करें कि इस बाइबल अध्ययन माला के द्वारा हम लगातार अपने जीवन में सुधारने वाली शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं. बीते 8 सप्ताह से हमारे मनन का विषय है योजनाएं बनाना, प्लानिंग. जब हम योजना बनाने में कोई गलती कर देते हैं तो उसका फल हमें तो भुगतना पड़ता ही है, साथ ही साथ जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं उन पर भी इसका बुरा असर पड़ता है. यदि घर का प्रमुख गलती कर दे तो परिवार के सारे सदस्यों को उसका फल भुगतना पड़ता है. उसी तरह से यदि मंडली का अगुआ गलती करे तो मंडली के एक एक सदस्यों को वह भुगतना पड़ेगा. यदि संस्था का प्रबंधक गलती करे तो पूरी संस्था को भुगतना पड़ेगा. यदि देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति योजना बनाने में गलती कर दे तो देश के एक एक नागरिक के ऊपर असर पड़ेगा और हर एक को भुगतना पड़ेगा. परंतु बुद्धिमानी से अगर योजना बनाई जाती है तो फिर आशीषों की बहुतायत होती है. नीति वचन के 24वें अध्याय के 3रे वचन को पढ़कर के सुनाना चाहता हूं. घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है. ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाती हैं. यहां घर इस शब्द का अर्थ है कोई सी भी व्यवस्था, कोई सी भी संरचना हो सकती है, लेकिन उसका जो बनना है
वो बुद्धि के द्वारा ही बनेगा और यह समझ के द्वारा स्थिर हो जाता है। और ज्ञान, यहां देखिए तीन शब्द हैं, अर्थात किसी भी प्रणाली को सही तरीके से चलने के लिए बुद्धि होना चाहिए, समझ होना चाहिए और ज्ञान। ये तीनों बातें अगर है तो बड़े सुचारू रूप से सब कुछ चलने वाला है। हम मनन कर रहे हैं योजना कैसे न बनाएं, हाउ नॉट टू प्लान। और अब तक हम लोगों ने इस विषय में 8 पार्ट सीख चुके हैं। अप टिल नाउ वी हैव स्टडीड 8 लेसन्स ऑन हाउ नॉट टू प्लान। दे आर लेसन नंबर 1, डू नॉट इग्नोर द जनरल बाइबल टीचिंग्स। पहला पार्ट था कि बाइबल की सामान्य शिक्षाओं की उपेक्षा न करें। लेसन नंबर 2, डू नॉट प्रे जस्ट फॉर गॉड्स एंडोर्समेंट ऑन योर प्लान्स। प्रार्थना केवल इसीलिए न करें कि आपकी योजनाओं के लिए आपको परमेश्वर से समर्थन प्राप्त हो जाए। लेसन नंबर 3, डू नॉट बी लाइक द हॉर्स और द डोंकी। तीसरा पार्ट था कि घोड़े या गधे की तरह न बने। लेसन नंबर 4, डू नॉट डिपेंड ऑन योर स्ट्रेंथ और सब्सटेंस। चौथा पार्ट था अपनी सामर्थ्य अथवा अपनी उपलब्धियों पर निर्भर न रहें। लेसन नंबर 5, डू नॉट वेट फॉर ऑल क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड। पांचवा पार्ट, सभी प्रश्नों के उत्तर मिलने तक रुके न रहें। लेसन नंबर 6, डू नॉट डिस्पाइज क्लोज्ड डोर्स। छठवां पार्ट था कि बंद दरवाजों का तिरस्कार न करें। लेसन नंबर 7, डू नॉट ओवर कंसल्ट पीपल। सातवां पार्ट था लोगों से अत्यधिक परामर्श न लें। लास्ट वीक वी सॉ द 8th लेसन एंड दैट वॉज डू नॉट बाईपास कॉमन सेंस। पिछले सप्ताह हम लोगों ने 8वां पार्ट सीखा था और यह था कि व्यवहारिक बुद्धि की उपेक्षा न करें। टुडे वी आर गोइंग टू सी द 9th लेसन अंडर हाउ नॉट टू प्लान, योजना कैसे न बनाएं। इसके अंतर्गत आज हम लोग 9वां पार्ट सीखने वाले हैं एंड दैट इज डू नॉट एक्सपेक्ट अ स्मूथ पैसेज। सरल मार्ग से बच निकलने की अपेक्षा न करें। आई रिपीट, हाउ नॉट टू प्लान लेसन नंबर 9, डू नॉट एक्सपेक्ट अ स्मूथ पैसेज, योजना कैसे न बनाए 9वां पार्ट, सरल मार्ग से बच निकलने की उम्मीद न रखें। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर के चलाए चलते हैं तब भले ही कार्य संपन्न हो, अच्छे से हो जाए, सुरक्षित हो जाए, लेकिन लोग उस मार्ग पर उस कार्य के चलते हुए बहुत सारी दिक्कतों का सामना करते हैं। कहना यह चाह रहा हूं कि संपन्न होने का आनंद आपको मिलेगा, कार्य पूर्ण होने का आनंद आपको मिलेगा, एक जय जरूर मिलेगी, लेकिन फिर भी इसे पूरा करने के लिए एक बड़े कठिन मार्ग से होकर के गुजरना है, कांटों पर चल करके आपको यह मार्ग तय करना होगा। राह आसान नहीं होगी, तूफानी भी हो सकती है। उदाहरण के लिए मैं आपको मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 4th अध्याय में लेकर के चलता हूं। यहां पर प्रभु यीशु के साथ में उसके शिष्य हैं और वे अब एक झील पार करने वाले हैं। उसी दिन जब सांझ हुई, मैं मरकुस के 4th अध्याय और उसके 35वें वचन से आगे पढ़ रहा हूं। जब सांझ हुई तो यीशु ने अपने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें, और वे भीड़ को छोड़कर जैसा हुआ था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे प्रभु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। इस घटना में आपने गौर किया कि
यह हुआ क्यों, या यूं कहिए कि झील में शिष्य लोग नाव लेकर निकले क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ने उनसे कहा, आओ हम झील के पार चलें। प्रभु यीशु ने कहा, शिष्यों की अपनी इच्छा नहीं थी कि हम झील के पार जाएंगे। अर्थात हमारे जीवन में भी प्रभु यीशु आज्ञा देता है और हम चल पड़ते हैं। और कई लोग सोचते हैं कि हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं तो मुसीबत नहीं आएगी, सब कुछ सरल सरल रहेगा और बड़ी आसानी से बहते हुए हम लोग पार निकल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। प्रभु यीशु ने कहा, आओ हम पार चलें, और फिर जब वे नाव पर बैठ रहे हैं तो भीड़ को छोड़ रहे हैं, जहां से मदद मिल सकती है लोगों को छोड़ रहे हैं, और अब गिने चुने रह गए। और जब वे नाव पर आए तो लिखा है बड़ी आंधी आई। आंधी तो आई आई, लिखा है बड़ी आंधी आई और लहरें उठने लगी, इतनी उठने लगी कि लिखा है वह पानी से भरी जा रही थी। जो नाव थी उसमें पानी आते जा रहा था। कहने का मतलब जान की जोखिम हो गई, अब मरने के लाले आ गए हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मृत्यु बहुत करीब है, क्योंकि नाव पानी से भर रही है और डूबने का डर है। परंतु यीशु के लिए लिखा है कि वो सो रहे हैं, और गौर से देखिएगा क्या लिखा है, गद्दी पर सो रहे हैं। कहने का मतलब प्रभु यीशु जानबूझ करके सोने के लिए चले गए, नाव के एक कोने में चले गए और गद्दी उठाई और उस पर सिर रख करके सोने लगे। प्रभु यीशु वास्तव में अपने शिष्यों को एक बहुत बड़ा सबक देना चाह रहे थे, वो उनको कुछ सिखाना चाह रहे थे, और इसीलिए यह घटना घट रही है। और प्रभु यीशु वास्तव में उनको विश्वास में आगे लेकर के चलना चाह रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि तुमको काम सौंपा जाएगा, काम पूरा भी होगा, लेकिन जिस मार्ग से तुम जाओगे उसमें बड़ी कठिनाई होगी। प्रियो, यदि आपके नाव में यीशु है तो डोलने दीजिए आपकी नाव को जितना चाहे। आपके परिवार में अगर प्रभु यीशु है तो आने दो जितनी मुश्किलें आ रही हैं, मुस्कुराते रहिएगा। यीशु है तो नाव नहीं डूबेगी, आपका परिवार नहीं टूटेगा, परंतु प्रभु यीशु के कारण वो स्थिर रहेगा। गीत के शब्द कुछ याद आ रहे हैं, सुनाना चाहता हूं। आंधी आने दो या आने दो तूफान, वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, यह तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। आइए सुसमाचार में से एक और उदाहरण लेते हैं, और यहां पर भी प्रभु यीशु क्रिस्त नजर आ रहे हैं। मैं आपको मत्ती रचित सुसमाचार के 14वें अध्याय और उसके 26वें वचन के पास ले चलता हूं। यहां फिर एक बार झील का दृश्य है। चेले उसको झील पर चलते हुए देख करके घबरा गए और कहने लगे कि यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाड़स बांधो, डरो मत, मैं हूं। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। और यीशु ने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देख करके डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला करके कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। और प्रभु यीशु तुरंत जा करके उसका हाथ थाम लेते हैं और उसको फिर एक बार पानी पर खड़ा कर लेते हैं। इस दृश्य को मैं जब देख रहा हूं तो मैं देखता हूं कि पहले दृश्य में बहुत सारे लोग थे और उनको प्रभु यीशु ने यह समझ दिया, यह सबक दिया कि जिस रास्ते पर तुमको चलना है उसमें से तकलीफें होंगी, लेकिन तुम पहुंचोगे जरूर। और आज पतरस को बता रहा है, और पतरस को बाकी के शिष्य भी देख रहे हैं कि वो पानी पर चल करके जा रहा है। और जब वो आगे बढ़ रहा है
तो वो अपनी नजरें हटा रहा है प्रभु यीशु से और वो हवा को देखने लग रहा है, वो तूफान को देखने लग रहा है और वो डगमगाने लगा है, उसके विश्वास में दुर्बलता आ गई है। पानी पर चलना यो भी वैसे भी बड़ी कठिन बात है, लेकिन यीशु ने कहा आ। फिर एक बार प्रभु यीशु अपने एक शिष्य को एक कठिन काम दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि प्रभु यीशु ने दिया है, पतरस नाव से कूद पड़ता है और उसे बड़ा अचरज हुआ होगा जब नाव के बाहर उसने पानी पर अपने आप को खड़ा देखा होगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि पतरस पानी पर चलने लगा, पता नहीं कितने कदम, लेकिन नाव पीछे रह गई और यीशु अभी सामने ही है, कहीं बीच में है, और उस समय उसका ध्यान भटकता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जोखिम का रास्ता है, लेकिन इस रास्ते के अंत में भी पतरस यीशु का हाथ थाम करके खड़े हैं। आज इसी बात की आवश्यकता है। प्रभु यीशु ने अगर हमको आज्ञा दी है, हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए अगर कोई योजना बनाई है और हमको देखने में लग रहा है ये तो पानी पर चलने के समान है, तो क्या नाव में बैठे रहेंगे? यीशु ने कहा है मैं हूं, मैं भी पानी पर खड़ा हूं, इसलिए हमें कूदने की आवश्यकता है, पानी पर चलने की आवश्यकता है। हमारा रास्ता कठिन होगा, लेकिन अंत जब होगा तो हम उस कार्य को पूर्ण करेंगे, उसे संपन्न करेंगे और उसका आनंद जरूर होगा। इसीलिए आज का पाठ हमसे कह रहा है कि डू नॉट एक्सपेक्ट अ स्मूथ पैसेज, सरल मार्ग से बच निकलने की उम्मीद न रखें। आइए पुराने नियम का एक पाठ आपको बताऊं, और यहां पर नहुम नबी की पुस्तक है, छोटे नबियों में नहुम की पुस्तक और उसके पहले अध्याय के तीसरे वचन में से आपको बता रहा हूं। लिखा है यहोवा बवंडर और आंधी में होकर के चलता है। वाक्य पर गौर करिएगा, यहोवा बवंडर में होकर के और आंधी में होकर के चलता है। और हम लोग बड़ा सीना ठोक करके कहते हैं हम परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग हैं। तो क्या आप बवंडर में चलने के लिए तैयार हैं? क्या आप आंधी में होकर के चलने को तैयार हैं? नहीं, यहां गड़बड़ी हो जाती है। परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं पर इस सोच विचार के साथ कि सब कुछ बड़ा स्मूथ होगा, सब कुछ बड़ा आसान होगा, बड़ी ठंडी ठंडी हवा बहेगी, हम बड़े आसानी से उस तरफ जाएंगे। ऐसा नहीं है, हमें अपने परमेश्वर के साथ में चलना है। और परमेश्वर ने भी इस बात को कहा है कि कठिन रास्तों से निकलना होगा, समंदर के बीच में से निकलना होगा, पीछे सेना तुम्हारे तलवार लेकर के दौड़ रही और सामने डुबाने वाला समुंदर है, लेकिन फिर भी तुम्हें आगे निकलना होगा, रात का समय हो तो आगे निकलना होगा। और मैं तुम्हारे उस कार्य के पूर्ण होने की तुमको दावा देता हूं कि अच्छी रीति से पूरा होगा। मेरे प्रियो, हम लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का जीवन लेना चाहते हैं तो इस बात को याद रखें कि हमारा राजा यीशु कांटों का ताज पहना है, तो हमें भी कांटों पर चलने की आदत डालनी पड़ेगी। हम लोग इस बात को मान करके चलें कि परमेश्वर का सौंपा हुआ काम जो है वो बड़ा है, वो कठिन है और इसे तकलीफ के साथ में हम पूरा करेंगे, परंतु पूरा जरूर होगा। मैं अपने जीवन में से गवाही देना चाहता हूं कि जब जब मैंने अपने सेवकाई में या अपने व्यक्तिगत जिंदगी में, पारिवारिक जिंदगी में कठिनाई का सामना किया, यूं कहिए तूफान का सामना किया, तब तब मैंने पाया कि परमेश्वर ने बड़े ही सुंदर और बड़े ही उत्कृष्ट मार्गदर्शन मुझे प्रदान किए हैं। और मेरे जीवन में ऐसा हो सकता है तो परमेश्वर आपके जीवन में जब तूफान आएंगे तब भी आपको वो ऐसी ही आशीषों से परिपूर्ण करेगा। इसी प्रकार से पौलुस भी कहता है, दूसरा कुरंथियों की पुस्तक खोलिए और उसके दूसरे अध्याय और उसके 14वें वचन में देखिए कितनी अद्भुत बात कह रहा है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको जय के उत्सव में लेकर के चलता है। ऐसा जब वाक्य सुनो तो सीना फूल जाए और हमारी भी इच्छा हो जाए कि उस जय के उत्सव में हम भी चलने लगें। पौलुस के जीवन में जो बातें चल रही थी, मुझे आप बताइए कि क्या वो हमेशा विजयी वाले रास्ते और आरामदेह वाले रास्ते पर चल रहा था?
उसी के जीवन में से आइए एक अद्भुत सी बात बताता हूं, दूसरा कुरंथी और उसके 11वें अध्याय के 24वें वचन से आगे पौलुस लिखता है, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेतें खाई, 1 बार मुझ पर पत्थरवाह किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा टूट गया, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा, मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों के जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा, परिश्रम और कष्ट में रहा, बार बार जागते रहने में, भूख और प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उगाड़े रहने में, कितनी सारी तकलीफों से वो गुजर रहा है और कहता है मैं जय के उत्सव में जा रहा हूं। क्या हम लोग भी इस प्रकार का विश्वास रख सकते हैं? पौलुस यहां पर कोई शिकायत नहीं कर रहा है, वास्तव में वो एक गवाही दे रहा है, अपने जीवन में से अद्भुत बात को बता रहा है। आप इसी अध्याय के 31वें वचन में जाएं, प्रभु यीशु का परमेश्वर और पिता जो सदा धन्य है जानता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। वो लगातार परमेश्वर की स्तुति कर रहा है और प्रभु यीशु मसीह के लिए पिता को धन्यवाद देता है। इन्हीं बातों को पौलुस की जो यात्राएं थी सुसमाचार प्रचार करने की, उसमें से भी आपको कुछ बात बताना चाहता हूं। रोमियो में देखिए उसके 1 अध्याय और 10वें वचन में, पौलुस की बड़ी इच्छा थी कि वो रोम जाकर के प्रचार करे, लेकिन वो रुका रहा और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूं कि किसी रीति से अब तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो जाए। वो उतावली नहीं दिखा रहा, उसके अंदर रोम जाकर के प्रचार करने की जो इच्छा है उसको दबाता है, परमेश्वर के समय के लिए रुकता है, परमेश्वर के सामने अपनी विनती को रखा और परमेश्वर को बताया कि मैं रोम जाकर के भी प्रचार करना चाहता हूं। परमेश्वर के सामने उसके मार्गदर्शन और उसके समय के लिए, ताकि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरी हो, परमेश्वर फिर उसको रोम जाने के लिए देता है। वो समय आता है कि जब वो रोम भी जाता है। कैसी रही वो यात्रा आपको याद होगी, कितनी भयानक थी वो यात्रा वो आपको मालूम होगी। समुद्र में तूफान आ गया, जब निकल रहे थे तब भी पौलुस ने कुछ कहा था लेकिन किसी ने सुना नहीं, बंदी बनाकर ले जा रहे थे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि सब लोग भयानक रीति से निराश हो गए क्योंकि भयानक रीति से तूफान आया, और ऐसा तूफान आया कि लोगों ने अपने सामान को फेंकना शुरू कर दिया और वो जहाज को हल्का बनाने की कोशिश करने लगे, जहाज टूटने लगा। अब इस प्रकार की जब बातें हो रही थी तो सब रोने लगे, लेकिन पौलुस एक व्यक्ति था जो बड़ा अच्छे से खड़ा था, विश्वास में खड़ा था और बिल्कुल निडर होकर के खड़ा था, और वहां के लोगों को वो आश्वासन दे रहा है, वहां के मल्लाहों को वो आश्वासन दे रहा है, उस जहाज के कप्तान को वो आश्वासन दे रहा है कि डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जिसकी सेवा मैं करता हूं, उसके स्वर्गदूत ने आकर के मुझसे ये बातें कही है, हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। कहने का मतलब, तू इस जहाज में नहीं डूबेगा, इस समुद्र में नहीं डूबेगा, इस तूफान में नहीं मरेगा, तुझे कैसर के सामने पहुंचना है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है, तेरे हाथों में इन सब लोगों की जिंदगी है। पौलुस कह रहा है, मेरी बात मान लो, हम सब के सब बच जाएंगे। इसलिए हे सज्जनों, ढाड़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूं कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा, परंतु हमें किसी टापू पर जा टिकना होगा। ये एक और जोखिम का काम है कि जहाज को किसी टापू के पास ले जाए, और जब वो ले जा रहे थे, हम जानते हैं वो जहाज टूट गया, जितनों को तैरना आता था वो तैर के निकले, जिनको नहीं आता था लकड़ी की पटियों पर करके निकले। तो मार्ग जो था रोम जाने का, वो बड़ी कठिनाई से भरा मार्ग था, लेकिन परमेश्वर ने प्रेरित पौलुस को भी बड़ी अद्भुत रीति से वहां पर इस्तेमाल किया, और परमेश्वर ने उस पर भी यह बात पहले से जाहिर किया कि जिस मार्ग पर तू चल रहा है ये फूलों से सजा हुआ मार्ग नहीं होगा, वो कांटों से भरा हुआ मार्ग है। परमेश्वर का राज्य का जो मार्ग है वो बड़ी कठिनाइयों से भरा हुआ है, और उसमें होकर के हमको चलना होगा।
प्रेरितों के काम और उसके 14वें अध्याय में आपको लेकर के चलता हूं, उसका 21वां और 22वां वचन। यहां पर देखिए, उस नगर के लोगों को सुसमाचार में सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर लुस्त्रा, इकोनियम और अंताकिया को लौट गए और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। विश्वासी जो नए हैं उनको क्या पाठ पढ़ा रहे हैं कि बड़ा आनंद होगा, बड़ा नाचना गाना होगा, बहुत मस्ती होगी? नहीं नहीं नहीं, आप जो मेरे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, विश्वासियों में से नए लोगों में से भी होंगे, मैं आपको बाइबल में से परमेश्वर का वचन बता रहा हूं कि विश्वास में स्थिर रहना, क्योंकि हमें बड़े क्लेश उठा करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। बड़ी कठिनाइयों से होकर के हमको गुजरना होगा। एक बड़ा प्यारा सा भजन है, भजन संहिता 23, और मुझको लगता है सब लोगों ने इसको तो मुखपाठ कर लिया होगा, फिर भी मैं आपका ध्यान इस भजन संहिता 23 के तीसरे और चौथे वचन की तरफ ले जाना चाहता हूं, जहां पर यूं लिखा है, धर्म के मार्ग में अपने नाम के निमित्त वह मेरी अगुवाई करता है। परमेश्वर यहोवा जो मेरा चरवा है, मेरे आगे आगे चल रहा है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। अब आगे का शब्द देखिए क्या लिखा है, चाहे मैं मृत्यु के घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर के चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। परमेश्वर हमारी अगुवाई कर रहा है, हमारा प्रभु हमारे सामने सामने चल रहा है और हम उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, भले ही रास्ता अंधकार का हो, घोर अंधकार का हो, यहां तक कि मृत्यु का भय छाया हुआ है, ऐसे रास्ते में भी चलने को मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे साथ में है और वो मेरा हाथ थाम करके लिए चलता है। एक कहावत है मित्रों कि परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर का कार्य परमेश्वर के समय के अनुसार और परमेश्वर के तरीके से करते हैं, उन्हें परमेश्वर के समर्थन की कमी नहीं होती है। यह तो एक सामान्य कथन है, परमेश्वर बेशक हाथ लगाता है, बल्कि मैं तो कहना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारे राह में कठिनाइयों को आने देता है। मैं न्यायियों की पुस्तक से एक छोटा सा उदाहरण आपको बताना चाहूंगा। न्यायियों के 6वें अध्याय में गिदोन है, और गिदोन के बारे में जब शुरू हुई बातें लिखना तो ऐसा लगता है वो थोड़ा डरपोक है, क्योंकि वो दुश्मनों से डरने के कारण छुप करके काम कर रहा था, और परमेश्वर का एक दूत आकर के उसको एक आश्वासन दे रहा है। और वहां की परिस्थिति आपको मालूम है कि जब जब इसराइली लोग खेत में बुआई करते या पौधे उगाते या फसल कटनी का समय होता तो मिद्यानी लोग हमला करते और सब कुछ तहस नहस करके चले जाते, इसराइलियों को पनपने का मौका ही नहीं मिल रहा है और इसलिए बड़े डर डर के जी रहे हैं। और ऐसे समय में प्रभु का एक दूत आकर के गिदोन से कहता है, हे शूरवीर सूरमा, तुझे एक काम परमेश्वर दे रहा है, मिद्यानियों से लड़ने का है और तुझको उनका नाश करके इसराइलियों को उठाने का है। गिदोन के मन में प्रश्न उठता है, आपको मालूम है क्या प्रश्न पूछा उसने? 13वें वचन में लिखा है, गिदोन ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती? शायद हम लोग भी अपने जीवन में इसी प्रकार से सोचते हैं कि जब जब हम विपत्तियों से घिर जाते हैं तो उन लोगों को प्रश्न करते हैं जो बाइबल के वचन सुनाते हैं कि परमेश्वर साथ है। गिदोन ने दूत से पूछा कि तू कैसे करके कहता है कि परमेश्वर हमारे साथ है, ये सारी विपत्तियों से हम लोग घिरे पड़े हैं। हमारी ऐसी हालत क्यों है? हम भी अगर ऐसा ही सोच रहे हैं तो आज का पाठ हमें यह सिखा रहा है कि हम लोग जिस मार्ग से होकर के जा रहे हैं ये कांटों का मार्ग जरूर होगा, लेकिन एक अब दी आशीष, हमेशा की आशीष, अनंत जिंदगी की आशीष हमारे लिए है। हाउ नॉट टू प्लान, योजना कैसे न बनाएं? डू नॉट एक्सपेक्ट अ स्मूथ पैसेज,
सरल मार्ग से बच निकलने की अपेक्षा न करें। परमेश्वर पिता आप सबों को आशीष दें।